नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल सक्सेस प्लेस में। इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बेहतरीन शेयर के बारे में, जिसको हमने काफ़ी पहले समय से आपको बताया था, काफ़ी उसके बारे में डिस्कस किया था। तो इस वीडियो में हम लेवल्स और टारगेट को देखेंगे, क्या मतलब सपोर्ट लेवल बनता है, और जो स्टॉक है इतना रैली किया है, आप इसकी रैली जब देखेंगे तो मतलब आपको काफ़ी आश्चर्य होगा। अगर आपने इन्वेस्ट किया होगा तो आप काफ़ी अच्छा रिटर्न प्राप्त किए होंगे। तो दोस्तों, जब नए आते हैं आप लोग तो पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे इन्वेस्टिंग से आप ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इन्वेस्टिंग करना है। इन्वेस्टिंग के लिए मैं अच्छे अच्छे स्टॉक्स बताते रहता हूं और उसके लेवल्स भी बताते हैं और आपको मार्केट का कंडीशन भी बताते हैं कि कब मार्केट के कंडीशन में आपको इन्वेस्ट करना है। तो दोस्तों, जो मार्केट में गिरावट आती है, मार्केट में जब भी एक बड़ा करेक्शन होता है, वो बेस्ट टाइम होता है आपके लिए इन्वेस्ट करने का। तो अभी जो है, अगर आप इन्वेस्ट किए हैं तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, या लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किए हैं तो बने रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारा स्टॉक है डिक्सन टेक्नोलॉजी है, देख सकते हैं डिक्सन टेक्नोलॉजी, यहां पर आज ये जबरदस्त तेजी है। यहां पर आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस था प्रीवियस डे इसका जो क्लोजिंग प्राइस था वो था 11,407 और 400 रुपीज 11,400 रुपीज से डायरेक्ट पहुंच चुका है, देख सकते हैं 11,855, मतलब 400 रुपीज से ज्यादा का रैली है। तो और लगातार ये स्टॉक देख सकते हैं यहां से अप ट्रेंड में है। तो हमने आपको पहले भी बताया था, आप RSI की मदद से या आप मूविंग एवरेज जो है उसके मदद से कब आपको बाय करना है शेयर और कब सेल करना है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पीछे मैंने अपलोड किया था, आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। जब भी स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज और 50 डे का मूविंग एवरेज जो है, जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है EMA है, उसके नीचे जब स्टॉक चल रहा है तो आपको बाय करना है, और जब 50 डे मूविंग एवरेज और 200 डे मूविंग एवरेज के स्टॉक्स ऊपर चल रहा है तो आपको सेल करना है स्टॉक को। तो यहां पर आपको स्टॉक को अभी सेल करना है क्योंकि अभी काफी ऊपर चल रहा है स्टॉक। यहां पर हम 50 डे का मूविंग एवरेज भी लगा लेते हैं। तो दोस्तों, यहां पर देख लीजिए, हमने 50 डे का मूविंग एवरेज जो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज उसको भी लगा लिया और स्टॉक देख सकते हैं काफी ज्यादा मतलब यहां से ऊपर है। तो जब काफी ज्यादा ऊपर हो तो वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आता है, तो आप चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते, नहीं तो स्टॉक्स इतने अच्छे हैं। और जो ये हमारा मेड इन इंडिया का जो नारा है, तो मेड इन इंडिया या बैकआउट चाइना का है, उससे काफी ज्यादा फायदा हुआ है डिक्सन टेक्नोलॉजी कारण, जिसके कारण ये स्टॉक जब यहाँ पर 4,000 के आसपास था, उसी समय से मैंने आपको बताया था, देख सकते हैं जून मई में उसी समय से ये स्टॉक लगातार रैली कर रहा है। एक बार 10,000 के प्राइस पर आया, 10,000 एक होल नंबर होता है, तो 10,000 जो एक मतलब राउंड ऑफ नंबर है, जिसके कारण यहाँ से थोड़ा सा इसमें करेक्शन देखने मिला 2,000 रुपीज का, और उसके बाद से स्टॉक रैली कर लिया। और यहाँ पर जो करेक्शन है, तो देख सकते हैं 50 डे का जो मूविंग एवरेज है वहां पर इस स्टॉक ने हमेशा सपोर्ट लिया है, तो हमेशा 50 डे के मूविंग एवरेज को यहां पर देखते हैं अपना डायनेमिक सपोर्ट बनाया और वहां से स्टॉक लगातार ऊपर की ओर रैली किया। तो दोस्तों, इसमें जो रैली है वो आपका निकल चुका है, आप जो इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना है। अभी सारे के सारे स्टॉक काफी रैली कर रहे हैं, अभी जो हमारा इंडेक्स है वो 13,000 मतलब ऑल टाइम हाई पे है, जिसके कारण मार्केट में काफी तेजी है, काफी सारे स्टॉक्स है जिसमें काफी ज्यादा रैली देखने हमें मिल रहा है। तो इस रैली को एंजॉय कीजिए अगर आपने इन्वेस्ट किया है, और जैसे रैली इंड होता है तो आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। तो इस स्टॉक पे हमेशा नजर रखना है, जैसे ये फिर से 50 डे मूविंग एवरेज को टच करता है तो वहां से आप SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं, या सबसे बेस्ट टाइम होता है जब 200 डे का जो EMA है उसके नीचे हो स्टॉक। तो यहां पर देखते हैं, ये हमारा यहां पर आया था मार्च में 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे, यहां पर बेस्ट टाइम था इसमें इन्वेस्ट करने का। जो इन्वेस्टर होते हैं वो सस्ते में खरीदते हैं स्टॉक को, और जब प्राइस काफी महंगी हो जाए तब उसे वो सेल कर देते हैं। तो इस तरह से इन्वेस्टर का रूल होता है। तो आप इस तरह से बने रहिए, चैनल पर देखते रहिए, और जो हमारा ये सारा चार्ट देखते हैं वो देखते हैं हम कहाँ पे, जीरोधा में। दोस्तों, जीरोधा में अगर अभी तक आपने अकाउंट ओपन नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जरूर ओपन कर लीजिए। जीरोधा में आपको ये जो ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट है, वहाँ पर आपको पेड चार्ट मिलता है। आप $400 $500 अर्ली पे करेंगे तब चार्ट ये देखने मिलेगा। जीरोधा में अगर आपका अकाउंट है तो आप जीरोधा में फ्री में अकाउंट देख सकते हैं, मोबाइल पे भी देख सकते हैं, मोबाइल पे भी उपलब्ध है इसका चार्ट। तो इसलिए आपको कहते हैं कि जो जीरोधा में अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक से आप ओपन कर लीजिए। धीरे धीरे हम आपको पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे के भी कोर्स आपको प्रोवाइड करेंगे। तो इसलिए सबसे बेस्ट होगा आप जीरोधा में अकाउंट ओपन कर लें। तो यहाँ पर हम चलते हैं, जो बात कर रहे थे, तो डिक्सन टेक्नोलॉजी इसके लेवल्स और टारगेट आपने देख लिया। अभी जो टारगेट है इसका ऊपर कहाँ तक जाएगा कोई निश्चित नहीं, और जो आपका लेवल्स है जिस पर आपको इन्वेस्ट करने की शुरुआत करना, वो है 50
डेका मूविंग एवरेज, ये एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जीरो धाम में आपको 50 डे का मूविंग एवरेज लगा लेना है और देखना है जब इसके आसपास आएगा तब आपको एंट्री करना है। तो और इसका जो सपोर्ट की ऐसे बात करें तो 10,000 इसका सपोर्ट होगा अगर इसमें करेक्शन आता है तो। अभी स्टॉक अपर रैली में, अभी करेक्शन का बहुत कम संभावना है क्योंकि स्टॉक लगातार ऊपर की ओर रैली कर रहा है। तो कभी करेक्शन आता है तो 10,000 इसका पहला सपोर्ट प्राइस होगा, वहाँ पर आता है तो आप इन्वेस्ट करने की शुरुआत कर सकते हैं। या 50 डे का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वहाँ कहीं पर भी सपोर्ट लेता है तो वहाँ पहला SIP करना है। कभी भी एक ही बार अपना सारा का सारा रुपया स्टॉक में नहीं लगाना है, धीरे धीरे आपको जैसे आपका स्टॉक कोई भी प्रॉफिट में आ जाता है और लगातार वो प्रॉफिट देता है तो हर गिरावट पे उसमें इन्वेस्ट करना है। जब भी गिरावट आता है उस समय इन्वेस्ट करने का मौका होता है। जैसे आप यहाँ पर इन्वेस्ट किए होते मार्च में, फिर ये लगातार रैली किया 10,000 के प्राइस पर, फिर से यहाँ पर करेक्ट हुआ 8,000 के प्राइस पर ये सपोर्ट लिया, तो यहाँ पर आप फिर से मतलब थोड़ा सा और इन्वेस्ट करते फिर आप अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में रहते। इस तरह से थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते रहना है। तो चलिए कंपनी के बारे में डिटेल जानना चाहते हैं तो कंपनी के बारे में भी जान सकते हैं। ये डिक्सन टेक्नोलॉजी का देख सकते हैं, dixoninfo.com ये कंपनी की वेबसाइट है, यहाँ पर आकर के इस कंपनी के बारे में आप डिटेल में जान सकते हैं। नीचे चलते हैं तो अबाउट डिक्सन टेक्नोलॉजी, यहाँ पर पढ़ सकते हैं कि इंडियाज लीडिंग इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर है। क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल प्रोडक्ट, होम अप्लायंसेस, लाइटिंग, मोबाइल फोन्स, सिक्योरिटी डिवाइस, तो ये सारे के सारे मतलब बनाती है। देखते हैं अक्रॉस द ग्लोब मतलब वर्ल्ड वाइड ये कई सारे कंट्रीज में जो कंपनी है उसे सप्लाई करती है अपना प्रोडक्ट। और यहाँ पर और सारे देखते हैं विथ अलॉन्ग विथ रिपेयरिंग, और रिपेयरिंग के साथ साथ और जो सेटअप बॉक्स है, मोबाइल फोन्स है, LED TV पैनल्स है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट इसमें इंक्लूड है। तो ये सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है ये सारा मैन्युफैक्चर करती है, रिपेयर भी करती है, तो ये काफ़ी अच्छी कंपनी है। और कंपनी के फंडामेंटल्स के बारे में जानना हो तो आप मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर आके जान सकते हैं। इसका मार्केट कैप देख सकते हैं 13,000 करोड़ जा चुका है, जो कि मार्केट कैप मात्र 5,000 करोड़ 6,000 करोड़ हुआ करता था जो हमारा मार्च का महीना है उस समय। यहां से देखते हैं कंपनी का मार्केट कैप 2.5 गुना हो चुका है और शेयर प्राइस भी 2.5 गुना हो चुका है। तो दोस्तों अर्निंग पर शेयर 87 रुपीज़ का है, फेस वैल्यू 10 का है। डिविडेंड कंपनी अभी कुछ खास नहीं देती है, यहाँ कॉर्पोरेट एक्शन पर जाकर के आप कंपनी का डिविडेंड देखते हैं। तो डिविडेंड में यहाँ देख लीजिए कंपनी 2020-19-18 थोड़ा डिविडेंड हर साल दी है और स्टॉक बोनस स्प्लिट अभी तक कुछ नहीं मिला है। यहाँ पर आप कंपनी के फाइनेंशियल को जान सकते हैं, कंपनी का फाइनेंशियल जो है कैसा है। तो यहाँ पर जैसे फाइनेंशियल क्लिक करते हैं तो कंपनी का देख लीजिए सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ है, 1400 करोड़ से 1600 करोड़ हो गया, प्रॉफिट 43 करोड़ से देखते हैं 52 करोड़ हो गया। एनुअली पर क्लिक करके आप एनुअली देख सकते हैं, एनुअली 2016 में मात्र 42 करोड़ का प्रॉफिट था जो कि 120 हो चुका है, और मात्र 1300 करोड़ का देख सकते हैं सेल्स था 2016 के मतलब फाइनेंशियल ईयर में। अभी 2020 में आ गया हमारा 4400 करोड़ का सेल्स, काफ़ी सेल्स इंक्रीज हुआ है। आप बैलेंस शीट पर क्लिक करके बैलेंस शीट भी देख सकते हैं, या आप जो भी चीज़ कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न पर क्लिक करके शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं। प्रमोटर्स का स्टेक देख रहे हैं थोड़ा सा घटा है, यहाँ पर 19 में था 38%, अभी है 36%, तो कुछ खास मतलब डिक्रीज नहीं हुआ है क्योंकि शेयर का प्राइस काफ़ी ऊपर जा चुका है तो थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुआ होगा। और बैलेंस शीट के बारे में मतलब बैलेंस शीट कंपनी का देखना चाहते हैं तो यहाँ पर बैलेंस शीट पर क्लिक करके कंपनी का बैलेंस शीट देख सकते हैं। कंपनी कितना इक्विटी शेयर कैपिटल है, मात्र 11 करोड़ का इक्विटी शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस 502 करोड़ का जो कि लगातार इंक्रीज हुआ देखते हैं। लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करें मात्र 9 करोड़ का है लॉन्ग टर्म बोरोइंग, जो काफ़ी मतलब कम है। तो कंपनी के ऊपर जो डेट है काफ़ी कम है, तो हर रूप से कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और कंपनी का प्रोडक्ट काफ़ी डिमांड में है और कंपनी जो इस समय है काफ़ी अच्छा कर रही है और कंपनी प्रोडक्ट भी काफ़ी डिमांड में है और बायकॉट चाइना काफ़ी सपोर्ट कर रहा है इस कंपनी को। और या कहें हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब ये कंपनी महत्व रखती है क्योंकि हमारा जो स्मार्टफोन है बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया स्मार्टफोन का, जिसको ये मैन्युफैक्चर करती है, सेटअप बॉक्स बनाती है। आप जो जियो का सेटअप बॉक्स यूज करते हैं वो भी इसी कंपनी के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। तो दोस्तों काफ़ी यूजफुल प्रोडक्ट है और आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा डिमांड बना रहने वाला है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लगा होगा एक बेहतरीन कंपनी के बारे में जानने के लिए और उस स्टॉक में कब इन्वेस्ट करना है, कैसे करना है। तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चाहे आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल के बेल आइकन को दबा दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।